गणपति बप्पा मोरिया। गणपति, गण यानी सभी का और पति यानी स्वामी, सबके स्वामी गणपति, गणेश, विनायक, वक्रतुंड, एकदंत, लंबोदर, जिनके 108 नाम हैं और गणेश पुराण में उनके 32 रूप बताए गए हैं। गणपति या गणेश हमारी संस्कृति की वो बुनियाद है, वो नींव है, जो हर पल और हर घड़ी हमें अटूट बनाए हुए हैं। गणेश जो हमेशा खुश रहते हैं और बहुत नटखट माने जाते हैं, लेकिन पुराणों के मुताबिक यही गणेश समय आने पर और धर्म की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली रूप का धारण भी ले सकते हैं। जैसे एकदंत, जिनके एक हाथ में अज्ञान को मिटाने वाली कुल्हाड़ी है, और सिंह गणपति, जो शेर पे सवार वीरता से बुराई का नाश करते हैं। इसी तरह गणपति के कई रूप हैं और उनसे कई बहादुरी की कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो चलो आज के इस वीडियो में गणेश के कुछ ऐसे ही अवतारों और कथाओं को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। भगवान गणेश की ताकत और उनके ऐसे शक्तिशाली रूपों की कहानियां शिव पुराण, गणपति पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण जैसे कई इंडियन स्क्रिप्चर्स में प्रेजेंट है। कई साल पहले की बात है, भगवान शिव अक्सर असुरों और राक्षसों से युद्ध करने पूरे ब्रह्मांड की यात्रा पर रहते थे। वहीं एक बार पार्वती ने भगवान शिव के बिना कैलाश पर्वत के गौरीकुंड में हल्दी और चंदन के लेप से एक बच्चे की मूर्ति बनाई। फिर देवी पार्वती ने उस मूर्ति में जान भरी और वो अपने पुत्र गणेश को इस दुनिया में ले आई। एक दिन देवी पार्वती ने गणेश को दरवाजे की रक्षा करने को कहा और उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि वो किसी को भी दरवाजे से अंदर ना आने दे। गणेश, जो अपनी माँ का हर कहना मानते थे, वो दरवाजे पे खड़े हो गए और हर किसी को रोकने लगे। उसी समय शिवजी कैलाश पर्वत पर लौट आए और उन्होंने पार्वती से मिलना चाहा। अब गणेश ने शिव का रास्ता रोक दिया और उन्हें पार्वती से मिलने देने से इनकार कर दिया। अब भगवान गणेश का शिवजी को अंदर ना जाने देना शिव के क्रोध को बढ़ाने लगा। गुस्से में शिवजी ने अपनी पूरी सेना यानी भैरव, नंदी, कई सारे सर्पेंट्स, सबको कह दिया कि गणेश को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और फिर भगवान गणेश और शिवजी के सेना के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पर उस युद्ध में भगवान गणेश से शिवजी की पूरी सेना एक एक करके हारती चली गई। पूरी सेना से लड़ने के बाद भी भगवान गणेश पार्वती के दरवाजे पे शिव को रोके हुए खड़े थे। अब ये देखकर शिवजी का गुस्सा बहुत बढ़ गया और इसी गुस्से की आग में शिवजी ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जैसे ही देवी पार्वती को पता चला कि उनके बेटे गणेश की मृत्यु हो गई है, पार्वती दुख, दर्द और क्रोध से भर गई। देवी पार्वती ने यह चेतावनी दी कि अगर उनके बेटे को फिर से जीवित नहीं किया जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देंगे। ये बात सुनकर ब्रह्मांड को बचाने आ गए भगवान ब्रह्मा, द क्रिएटर। ब्रह्मा ने पार्वती से बहुत प्रार्थना की कि वो संसार का नाश ना करे, पर पार्वती का दुख गुस्से में बदलता चला गया और उन्होंने पूरी सृष्टि का नाश करने का फैसला ले लिया था। इसीलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए ब्रह्मा एक हाथी का सर लाए और उन्होंने वो सर गणेश जी की बॉडी पे लगाया और ऐसे जन्म हुआ गणपति का। शिव पुराण से ली गई ये कथा सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि कहते हैं कि इस कथा के अंदर एक ऐसी शक्ति को जगाने का राज है जिस शक्ति से कोई भी इंसान अपने किसी भी काम को अंजाम दे सकता है। इस महान शक्ति का नाम है कुंडलिनी। इस कथा में पार्वती कुंडलिनी शक्ति को दर्शाती है, शिव हमारी आत्मा को और गणेश हमारे रूट चक्र यानी मूलधारा चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंडलिनी शक्ति सिर्फ आत्मा के मिलन से जाग सकती है, पर इस कथा की तरह हमारी आत्मा कुंडलिनी से गणपति की इजाजत के बिना नहीं मिल सकती। योग कुंडलिनी उपनिषद के मुताबिक कुंडलिनी एक नाग जैसी शक्ति होती है। ये शक्ति हमारे स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के नीचे रहती है और मूलधारा चक्र भी हमारे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में होता है। गणेश जी का ध्यान करने से ये लाल रंग का चक्र बैलेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति को जगाने का मौका मिलता है। इस कुंडलिनी शक्ति के जागने से इंसानों में कई दिव्य शक्तियां आ सकती हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसी दिव्य शक्तियों की रक्षा करने वाले गणपति जी कितने शक्तिशाली होंगे। हमारे पुराणों में गणपति की कई ऐसी कथाएं हैं जिनमें उनके फियर्स साइड को रिप्रेजेंट किया गया है। गणेश पुराण के मुताबिक भगवान गणपति ने मोर पे सवार सिंधु नाम के राक्षस का सर काट उसका खून सारी धरती पर फैला दिया था। सिंधु का वध करके उन्होंने कई लोगों को उसके जुर्म से मुक्ति दिलाई थी। और फिर उसी जमीन पर भगवान ब्रह्मा ने खुद गणेश के लिए महाराष्ट्र में मोरेश्वर मंदिर को स्थापित किया। पर इन कथाओं में सिर्फ गणेश के युद्ध करने की पोटेंशियल ही नहीं बल्कि काफी साइंटिफिक डेप्थ भी है। सिंधुरासुर की तरह एक और राक्षस था, आग से भरा अनल असुर। अनल असुर एक ऐसा असुर था जिसकी आंखों और मुंह से भयंकर आग निकलती थी। जो भी इस डरावने अनल असुर के सामने आ जाता वो उसे जला के भस्म कर देता। हर तरफ लोगों में अनल असुर का खौफ उसकी आग की तरह फैलता चला जा रहा था। गणपति ने इस असुर को हराने के लिए उससे 3 गुना बड़ा रूप ले लिया और उसे अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ने लगे।
जिस राक्षस से लड़ाई में जीत हासिल करना मुमकिन नहीं माना जाता था, उस भयंकर अनलसुर को गणेश अपने हाथों से घायल करते रहे। और फिर युद्ध करते करते गणपति ने उस राक्षस को उठाया और अपने मुंह में डाल एक बार में निगल गए। अनलसुर का अंत करने के लिए गणपति ने उसको खा लिया। उस राक्षस को खाकर गणेश ने इस असुर का वध तो कर दिया, पर जैसे ही उन्होंने इस आग से भरे असुर को खाया, वैसे ही उनका पूरा शरीर उस राक्षस की आग से जलने लगा। गणपति के पेट में दर्दनाक जलन पैदा होने लगी और फिर गणपति को परेशान देख उनकी मदद करने वहां सभी देवी और देवता आ पहुंचे। गणपति को ठंडक पहुंचाने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें दुर्वा नाम की एक ऑस्पिशियस ग्रास ऑफर करी। इस दुर्वा से गणेश को राहत मिली और उन्होंने अपने वीरता से सबका दिल जीत लिया। ये दुर्वा एक तरीके की घास है जो आज भी पूजा के समय गणपति बप्पा को चढ़ाई जाती है। दुर्वा के काफी हेल्थ बेनिफिट्स हैं। वर्ल्ड जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च में पब्लिश एक रिसर्च के अकॉर्डिंग दुर्वा पेट में जलन, एसिडिटी, पेट में अल्सर्स, पेट दर्द जैसी कई सिम्टम्स को दूर कर देती है। आप जितने लोगों से गणपति जी की ये कथाएं सुनते चले जाएंगे, उतनी ही बार ये कहानियां और भी अलग अलग वर्जन्स, गहराइयां और गंभीरता से भरे मोड़ लेती चली जाएगी। आज भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश है। इसकी आबादी 100 करोड़ से भी ज्यादा है। इस घनी आबादी में कई लोग गणपति जी की पूरे दिल से भक्ति करते हैं, कभी सुकून पाने के लिए, कभी खुशी को ढूंढने के लिए और कभी दिव्य शक्तियों को महसूस करने के लिए कई लोग स्पिरिचुअल पाथ्स में निकल जाते हैं। ब्रह्मा यमला नाम के तांत्रिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग स्पिरिचुअल पाथ्स पर चलने के दो रास्ते होते हैं। राइट हैंड पाथ मतलब दक्षिण पथ, जिसमें हमारे ट्रेडिशनल पूजा पाठ शामिल है, और लेफ्ट हैंड पथ यानी कि वाम पथ, जिसमें तंत्र और तांत्रिक प्रैक्टिस आती है। हमारे शास्त्रों में गणपति बप्पा के कुछ ऐसे अवतार भी हैं जिन्हें कुछ तांत्रिक और अघोरी पहचानते हैं। ये गणपति के वो रूप हैं जिनके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। कहते हैं अक्सर नटखट माने जाने वाले गणपति जरूरत पड़ने पे कुछ भयानक अवतार भी ले सकते हैं। गणपति जी के ऐसे ही एक अवतार का नाम है उच्चिष्ट गणपति, जिनकी मूर्ति को काफी अलग अलग तरीके से दर्शाया जाता है। इन्हीं उच्चिष्ट गणपति को कुछ तांत्रिक एक एक्सट्रीमली इरोटिक अवतार मानते हैं। उच्चिष्ट यानी लेफ्ट ओवर्स, जो खाना हमारे मुंह के अंदर सलाइवा से घिरा बच जाता है, जिसे ट्रेडिशनल टेम्पल्स में टैबू माना जाता है, वहां से आया है उच्चिष्ट गणपति का नाम। और इनकी भक्ति वामाचार्य यानी तंत्र को मानने वाले कुछ अघोरी करते हैं। उच्चिष्ट गणपति का सर हाथी का है और मंत्र महार्णव में उनका रंग लाल है। उनके चार हाथ है और वो पद्मा आसन में बैठे हैं। उत्तर कमिका आगम में बताया गया है कि उनके सर पे मुकुट है और उनके माथे पे तीसरी आंख। कहते हैं कि उच्चिष्ट गणपति के साथ एक देवी का रूप होता है। उत्तर कमिका आगम में इन देवी का नाम है विघ्नेश्वरी। विघ्नेश्वरी उनकी गोद में बाई जांघ पर बैठी होती है और उन्होंने कोई भी वस्त्र धारण नहीं किए होते हैं। गणपति जी के ये अवतार तंत्र में सेक्सुअल डिजायर्स को दर्शाते हैं और अक्सर मूर्तियों में उच्चिष्ट गणपति का चौथा हाथ इन बिना वस्त्रों की देवी को स्पर्श करता है। लॉरेंस कोहेन नाम के एक ऑथर और एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर के मुताबिक अघोरियों द्वारा माने जाने वाले उच्चिष्ट गणपति की सूंड देवी और गणपति के बीच के सेक्सुअल बॉन्ड को दर्शाती है। कई तांत्रिक डिपिक्शन में देवी की गोद में एक मोदक से भरी प्लेट होती है और गणपति अपने सूंड से वो मोदक को खाकर देवी की योनि तक पहुंचना चाहते हैं। तांत्रिक मानते हैं कि गणपति के इस अवतार की भक्ति करने से उनके अंदर कुंडलिनी जैसी और भी दिव्य शक्तियां जाग जाएंगी। कहा जाता है कि कई लोग ऐसे रिचुअल से दूसरों को पैरालिसिस या जान से मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। March 7, 2023 को एक 27 साल की लड़की ने अपने पति और अपने इन-लॉज के खिलाफ FIR रजिस्टर करी थी। उस लड़की को उसके अपने घर के लोग मिलकर फिजिकली और मेंटली असॉल्ट किया करते थे, और असॉल्ट सिर्फ कुछ अघोरी रिचुअल्स को पूरा करने के लिए। अक्सर गणपति जी की पूजा के समय उस लड़की के पति और उसके इन-लॉज उस लड़की को पकड़ते थे और जोर जबरदस्ती से उसका मेंस्ट्रुअल ब्लड लेने की कोशिश करते थे। इस ब्लड को वो अक्सर अघोरी प्रैक्टिस के लिए गणपति को चढ़ाते थे। उस लड़की के साथ उसके इन-लॉज और उसके पति ऐसी जबरदस्ती 4 सालों से करते आ रहे थे। उस लड़की के इन-लॉज के खिलाफ एक ऑफेंस फाइल की गई थी अंडर द महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन ईविल एंड अघोरी प्रैक्टिस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट। कहते हैं तांत्रिक वामाचार्य स्क्रिप्चर्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स और कई अलग अलग प्रैक्टिस को टैबू और गलत नहीं माना जाता। जो लोग इस शास्त्र में मानते हैं वो अक्सर भगवान की शक्तियों को कुछ अलग नजरिए से देखते हैं, पर शक्तियों और ताकत को देखने का नजरिया बदल सकता है। लेकिन लालच में इन शक्तियों के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाना, क्या ये सही है? माना जाता है कि भगवान गणेश हमारे जीवन के सबसे करीब होते हैं। गणेश हमसे सबसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं और हमारी रोजाना जिंदगी और चिंताओं में हमारी मदद करते हैं। गणपति जी शक्तियाँ, वरदान और रुकावटें सबको कब्जे में कर सकते हैं,
गणेश को विघ्नहर्ता यानी रुकावटों को हराने वाला कहा जाता है, लेकिन जब हम गलत रास्ते पे चल रहे हों तब हमें सही दिशा में लाने के लिए गणेश रुकावटें भी डाल सकते हैं। तो भगवान गणपति की इन कहानियों के बारे में आपका क्या कहना है? और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ कथाएं हैं या फिर इनके अलग अलग वर्जन हैं तो भर दीजिए कमेंट्स। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन। गणपति बप्पा मोरया।